जोधपुर सिटी बनाने की कोशिश चल रही है। अच्छा, अभी है हमारा कैंप जोधपुर में, तो थोड़ी प्रैक्टिस करके जाए ऐसे सोच रहा था मैं। आप वही है फिलहाल, जोधपुर में है? अच्छा नहीं, दिसंबर में है। अच्छा जी, स्केचिंग आपको ये और ये जा रहा है ऑल द वे अप टू दिस प्लेस, ये है यहाँ, सो दिस इज इवेंचुअली जॉइनिंग हियर। ये इंटरेस्टिंग रहता है। अरे वाह सुधीर, वेलकम। किती वाजले तिकडे? इसके लिए अलग से क्लास लेना पड़ेगा एक्चुअली। ये क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट है। गेटिंग ओवर, इसको पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ सुधीर, दीदी वाले अच्छा, फोटो कुछ? काढला म्हणा, फोटो हाँ, कुठला आहे? अच्छा, अरे ते ऑक्टोबर में टाकले बा। हाय, हाँ आता काय जोधपुरला जायचं डिसेंबर मध्ये, ब्लू गुड सिटी। गुड, छान आहे.
ते आता तिकडे काढायला लागणार बसून, त्याच्या आधी जरा प्रॅक्टिस करूया म्हटलं. हे काय स्पेशली पर्स्पेक्टिव्ह फार अवघड काढायला, किचकट, हे पण खाली यायला लागेल सगळंच. दिस इज रफली, हा हा बॉटम पॉइंट सेंट्रल सेंट्रल आहे. भैयाचा फोन होता, काय चाललंय ते US मध्ये बसलाय ना नीलम कडे. वैशाली कशी आहे म्हणून फोन. वैशाली आता काय आता आजची रात्र त्यांची प्रॉब्लेम आहे, ठीक आहे, तो पताशेल आहे गावी. का बर ते तिकडे काय हे सायक्लोन आहे. हो हरिकेन. हरिकेन सुनील ला मी असाच फोन केला होता, म्हटलं सुधीर काय क्लास अटेंड नाही करत आहे कुठे, तुझा फोन लागत नाहीये. तुझा फोन गणित जमत नाही. हो बरोबर आहे, गणित जमत नाही म्हणलं. वेळेचं गणित नाही जमत. अरे थंडी इकडे आहे फार. हो का, वा वा. नको वाटते काही दिवसांनी. हो ना, सिंगल डिजिट आहे, सिंगल डिजिट मध्ये थंडी आहे. अरे बापरे, आहे पुण्यात आपल्याला सवय आहे थोडीशी. असं आहे, एवढं तिरकं आहे. अच्छा, त्यामुळे घराबाहेर पडणं जरा अवघड होऊन जातो परत. तेच ना, फिरायला वॉक वॉक वगैरे यू हॅव टू बी हायली प्रोटेक्टेड. सगळ्याला पर्स्पेक्टिव्ह आणायला लागतात. आता ह्याच्यापेक्षा हे मोठा आहे साईजला आणि या साईडने किपट कीप एन आय ऑन दॅट. चलो हे ठीक आहे. हे सेंटर पॉइंट इथे आहे. हा एवढा आहे. इथून पत्रा जातोय तो ऑलमोस्ट सेंटर पॉइंट. दिस इज सेंटर पॉइंट, करेक्ट. हे मॅच आहे. आता कुठे जमायला लागले इथून. मग एकाच पद्धतीने इकडे आहे. ये ज्यादा हो गया था. दिस विल बी बिगर, दिस विल बी स्मॉलर. पेंटिंग करने को मजा आया. सिटीस्केप्स आर ऑलवेज इंटरेस्टिंग. चल
Here there are a lot of things hanging. तो ये hanging को detail में बाद में करेंगे. Roughly ये pillar को यहाँ पे horizontal member लगाया है कुछ hang करने के लिए. Details जाएंगे. और ये oh there is a sitting place. Sit out then. Sit out. Sit out. Yeah, better get good. And then, यहाँ तक hang हो रहा है कुछ. All those typical village tile, and it is crossing this. ये यहाँ से ये यहाँ हैंग करने हैं पूरे. हाँ गुड. बाहर का स्केलेटन हो गया तो अभी इतने मोटरसाइकिल है, एक दो तीन चार, बाप रे 10 तो मोटरसाइकिल. वो 10 मोटरसाइकिल तो थोड़ी निकालने वाले हम. छोड़ दो, अभी एक बंदा मोटरसाइकिल पे आ रहा है, वो इंटरेस्टिंग है, वो बनाना पड़ेगा. उसका सर यहाँ पे है. इतनी बड़ी मोटरसाइकिल है. ये नंबर प्लेट है. दिस सम हॉरिजॉन्टल मेंबर हियर. ये वर्टिकल पहले तो लाइन लगा लेते हैं, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बाद में. इतनी ठीक है. ठीक है. और उसके लेग्स तो
वी शेप बॉडी दिखा देते हैं. अच्छा एकदम पहलवान. एंड देन द लेग्स. ये एकदम सिमेट्रिक है काफी. या जीन्स वींस की पैंट है कुछ. ठीक ठाक लग रहा है. गुड. पेंटिंग के वक्त अभी एक दो स्कूटर यहाँ पे निकाल ही देते हैं. यार इंक्लाइंड क्योंकि साइड साइड स्टैंड पे लगी. पीछे का हिस्सा ऐसा दिखता है. आजकल मॉडर्न स्कूटर्स वैल्यू इंजीनियरिंग इंक्लाइंड. इंक्लाइंड ये लाइन में इंक्लिनेशन काफी इंक्लाइंड है. नंबर प्लेट अगेन सम मड फ्लैप. ये हो गया और ये तो हो ही गया. तो ये ऐसे स्कूटर दिखे साइड से ले सैम. और क्या करें आगे. दरवाजा वगैरह है कुछ क्योंकि तो सेंटर में है. इट्स गोइंग ऑफ. एंड देन देयर इज अ सीट हियर. ये पीछे का वापस वैसे ही रहते हैं मोर लेस. नंबर प्लेट नहीं वो रेड लैंप्स. नंबर प्लेट. And then there is a wheel. Good. This is a ब्यूटीफुल टर्कोइज ब्लू कलर का है. ये जरूर निकालेंगे. एंड देयर इज अ विंडो देयर. There is a fort behind. Okay, fort is banana ki nahi. I'll need to take a call. कितने बज गए. दो बज गए. So all. हाँ दो तो बज गए. हाँ. भी
ब्रेक लेना टाइम है, थोड़ा टाइम चलते हैं 10 मिनट और ये स्केचिंग तो कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये समाउ दिस टाउन लुक्स टू बी बाहर का एक्सटर्नल गटर सिस्टम है। ओके, यू जस्ट फिनिश्ड स्केचिंग, नाउ लेट्स बिगिन पेंटिंग एक्टिविटी। सो व्हाट आई एम डिसाइडिंग इज आई विल गिव फर्स्ट वॉश consisting of various colors, this cerulean blue, this is all cobalt blue, leave certain patches like this man and this hangings and then this grill which is red in color, accepting that, and then this is possibly Naples, this one is burnt sienna and burnt umber mix, something like that. And the middle patch looks to be turquoise. This is light rose here. I'll leave some sunlit spaces. With that, let's go. I'll try to use a flat brush today. Let's see. Good amount of color will be required. That is quite large size. Good. Okay, are you able to see? Yes. Because I am also able to see what you are. Where are we? Yes. Put some color and some water. This wallpaper is going to take. Where are we? This building is here, yes. This side, good. So let's do some dark blue. So now here some light patches, some dark patches.
This is all sunlit area. And yeah, there is this one also is having a similar color. The bottom is a turquoise. Anyway, I will continue. Naples, you know, lot of water. So, let them mix, don't worry about it.
This is the sun falling. You have to paint around. One more pillar there. Anyway, I have no intention of painting that. Did you say? Again, back to cobalt blue. This place.
let's move further to the ROM variable. Oh, there's a sunshine there. We'll take care of that. Don't paint that. A4. I'm applying plain water. And then I'm going to drop some colors here. This landmass is having a variety of colors. I can see some blues also there. And I can see some crimson here. Thank you.
let me go back and see whether it's coming out well. I think it is. Touching somewhere. Sometimes flat brush is useful, especially cityscapes, because there are a lot of right angles. Light. Again, we are moving back to foreground. Right, a lighter one this time, a medium one. This one lighter, darkest, and then this is a medium one. So that pot and the man has been spared in a folded door.
cutting is okay. Drawing door here, and there is this man. A man with mustache. Interesting. Let's move towards that is slightly darker. Why not finish that one? But lighter than.
करना तो है। वही एक चीज आपकी मैं मानता हूँ अच्छा है जबकि लोग गिव अप कर। नहीं नो प्रॉब्लम, आप बनाइए, अभी क्लास नहीं अटेंड किया तो भी चलेगा, इंडिपेंडेंटली बनाइए। ओके सर, कोई प्रॉब्लम। इसका तो रिकॉर्डिंग है ना सर? हाँ, इसका रिकॉर्डिंग किया है ना? हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ ओके सर, ओके अब कंटिन्यू। हाँ चलो। पानी रिप्लेस करेंगे कोई कोई कलर फ्रेश देने हैं तो पानी रिप्लेस करना पड़ता है।
हो, ग्रीन लगेगा ना। क्या हुआ सर? हाँ, अविना जी। हाँ, क्या हुआ? हाँ? कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं खाली कुछ बातें करता हूँ बस। सर, आप गाना गाते ही वो यूट्यूब में क्या सर्च करने से मिलेगा? यूट्यूब में आपकी है ना गाना गाते हैं, वो चैनल कौन सी है? सिंग विद अनिल करके। सिंग विद अनिल, ओके। पेंट विद अनिल, ये सिंग विद अनिल। अच्छा। और एक तीसरा है कराओके विद अनिल। हाँ, अच्छा। लेडीज सिंगर के लिए है वो, तो वो हाँ। ये करने के लिए मतलब ड्यूएट्स गाता हूँ मैं, उसमें मेल मेल पार्ट गा लेता हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है फिर वो लेडीज को थोड़ा ये फीमेल पार्ट खाली गाया तो ड्यूएट ड्यूएट में पार्टनर नहीं मिलते ना, हाँ, वजह से वो है। अच्छा, तो उसमें गाया हुआ है मैंने वो भी है। तब सिंगिंग का भी शुरू कीजिए सिखाने। लेकिन क्लास में क्या करता है सिंगिंग, ऐसी चीज है कि प्रैक्टिस के सिवा ये नहीं है, जैसे स्केचिंग है। रियाज रियाज है मैं। क्या उसमें सिखाने के क्या रहता है? अभी क्लासिकल तो नहीं है अपना, क्लासिकल रहेगा तो सिखाते हैं मतलब कौन से राग में कौन से स्वर है कौन से, उससे ध्यान रखना पड़ता है, वो फिर अलग बात है। ये अपना तो बॉलीवुड म्यूजिक है। क्या सिखा सर? मैंने तो अभी देखा है, अभी मैंने मिस कर दिया सारा कुछ। हाँ नहीं, वेलकम वेलकम वीणा जी, सो दोनों वीणा आए। मैंने तो अभी देखा, बहुत मिस कर दिया सारा कुछ। नहीं नहीं, मेरा ये रिकॉर्डिंग वैसे ये लगी रहेगा, तो वो थोड़ा लूज पेंटिंग बोलते हैं मतलब ज्यादा पैचेस 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 देते जा रहा हूँ, बाद में उस पर डिटेलिंग बाद में करेंगे। हाँ,
हाँ तो गेटअप बाद में आएगा पूरा। जैसे ये अभी एक धूप गिरा है तो वो छोड़ दिया ऐसे कुछ। सामने दिख रहा है वैसे पेंटिंग करते जा रहे हैं। सर ये छोटा छोटा काम भी ये बड़े ब्रश से कर सकते हैं। हाँ वही उसमें जरा क्या होता है थोड़ा एकदम एक्यूरेट नहीं होता है और एक्यूरेट अपने को नहीं चाहिए। एक्यूरेट बनाया तो इतना अच्छा नहीं दिखता है, थोड़ी अच्छा गलती बराबर। उसमें थोड़ी गलतियां आनी चाहिए। ऐसा वाटर कलर का इंटरेस्टिंग चीज है वो, आपको जनरली आर्टिस्ट नहीं बताएंगे लेकिन करते हैं वैसे ही वो। थोड़े हाँ से कलर इधर उधर मिक्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं तो ये फोटोग्राफ जैसे लगेगा। हाँ बराबर। तो वो अलग क्या है फिर, कोई फोटो ही बड़ा बनाओ, एनलार्ज करो, यूज करो ना। तो वो है ने अच्छा नोटिस किया, लेकिन बराबर है इतना बड़ा ब्रश लेके कर रहा हूं मैं, और ये अभी तक तो छोटा लिया नहीं है, सब इसी से ही चल रहा है। तो क्या डर रहे, इतने बड़े ब्रश से करेंगे तो बुरा बिगड़ जाएगा। डर तो रहता है थोड़ा, इधर उधर कुछ गड़बड़ ना हो गया, लेकिन नो रिस्क नो रिटर्न बोलता हूँ मैं। लेकिन शुरू शुरू में ठीक है, छोटे से ही करिएगा, बाद में देखा जाएगा। एक फील आ जाता है कि कौन सा कहाँ गड़बड़ होने वाली है ये बड़े ब्रश से, तो वो पता चल अच्छा जाएगा। बड़े ब्रश का फायदा भी ये है, स्पेशली फ्लैट ब्रश का, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस बहुत रहती है इसमें, तो हाँ इससे ये स्ट्रेट अच्छी होती है। हाँ आसानी आसानी से कर स्ट्रेट लाइंस।
थोड़ा ब्रश इधर उधर घुमाते बैठना पड़ता है। आप करते हैं तो पूरा रियल लगता है सर, हमारा कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है थोड़ा थोड़ा। तो देखने से ही होता है, वैसे ही मैंने भी किया है, इसके वजह से मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप देखते रहो बनाते जाओ, देखते रहो बनाते। जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे परफेक्शन आएगा। हाँ पार ओहो वेरी नाइस बहुत गुड बोलो। हो शर्ट का कलर बदल गया। ठीक अंधेरे में दिखेगा ना। स्कूटर स्कूटर वाला है नहीं? स्कूटर चलाता है।
बहुत सारे स्कूटर निकाले मुझे याद है। कौन से कलर की ले रही है ये स्कूटर? ब्लू कलर ले रही। चलो हाँ ब्लू अच्छा रहेगा। निकालना था। हाँ इसकी मूछ निकाल ली।
क्या कहा? इधर ब्लैक बना देते हैं, देखते हैं कैसा लगेगा। निकालना था और हाँ ये पोल मेन तो पोल रह गया वो स्ट्रेट कुछ लाइंस हैं उनके ऊपर
से लेते हैं, नीचे से ऊपर ज्यादा आसान जाएगा। नीचे ऊपर है पहला, we have come back. उसके अभी टेबल, इसके लिए लेना है अपना रिगर ब्रश, ये लाल लंबा वाला। पूरा क्रॉस करके जा रहा है, तो वहां से आ रहा है नीचे से। चलो 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 टेबल्स बहुत अच्छा इंटरेस्ट लगी है पेंटिंग में। चलो हो गए, मेन तो बड़े से फ्लावर बना देते हैं और डार्क कैसे से यहाँ पे डाल देते हैं कुछ। आप ऐसे देखती भी रहोगी तो
तो भी आपका इम्प्रूवमेंट बढ़ते जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है ये, और फाइनली अपनी स्टाइल डेवलप करनी होती है, ये अपने आप वो होती है, वो कोई बता कैसे, वो प्रोसेस हर एक की होती है। पत्थर ये ये ट्यूबलाइट के बाजू में दो ब्लैक छोटे छोटे चीजें, ये नीचे भी एक लाइन लगा देते हैं, और ये जो है ये लाल को भी नीचे लाइन लगा देते हैं। डार्कनेस रहती है थोड़ी, ये जो सारी वाली है उसको भी थोड़ा सा बिल्डिंग बिल्डिंग जैसे शेप बना दी, गुड आई थिंक आई विल फिनिश अपना, बस हो गया। वी विल डू अ सिग्नेचर वन, पेपर नहीं निकलना चाहिए ये। और लिटिल बिट ऑफ ग्रीनरी निकाल देते हैं।
ग्रीन लेना पड़ेगा सही। Directly from the tube. Let us see.
थोड़ा शैडो। Okay, done. चलिए वीणा जी। हाँ हो गया सर। हो गया एट लास्ट। थोड़ा ग्रीनरी भी थोड़ी सी बना दी। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ आपका रिकॉर्डिंग तो आ जाएगा 15 मिनट का। मैं ये हाथ बनाऊंगी, हाथ नहीं बनाऊंगी, हाँ नहीं 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 वो आपको, हाँ अलग अलग बनाऊंगी। थोड़ा सा पार्ट बना दीजिए आप बस, बाकी का हाँ जरूरत। हाँ ओके सर। ओके चलिए बाय। हाँ गुड नाइट बाय।